हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं करूंगी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं अरेंज नहीं हुई हुई, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे, 6x के पहले आता होता है, फिर हमारे पास x की वैल्यू आती है, 7x आ जाएगा और फिर -3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। और उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू लिख लेंगे 6, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो लिख लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या लिख लेंगे, -7, और c की वैल्यू क्या लिख लेंगे, -3, ठीक है। अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b+- अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ही, अच्छा माइनस फॉर्मूले का आ गया, b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर देनी है, -7, इसका क्या मतलब है, ये वाला माइनस जो था मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये वाला बी की जगह जो था हमने पुट करना था -7, वो ब्रैकेट में कर दिया। बी स्केयर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -7, स्केयर की जगह स्केयर आ जाएगा -4 का 4, ए की जगह मेरे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 6 आ जाएगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू -3। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का 2, ए की जगह ए की वैल्यू डेट इज 6, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, साइन ख़त्म। 7 का स्केयर क्या आ जाएगा, 49, ठीक है, और माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, 6 4 ज़ार कितना होता है, 24, 24 3 ज़ार कितना होता है, 72, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 72। और ये आपको पता है प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 6 2 ज़ार क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर लूँगी, ठीक है, 49 और 72 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 121 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7+-121 बाहर आके क्या हो जाएगा, 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11 और 12 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे यहाँ पे और इज इक्वल टू 7+ एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7-11/12, 11 में 7+ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18, नीचे आ जाएगा 12। इसी तरह हम लोग करेंगे, 11 में से 7 कट करेंगे तो क्या आता है, 4, और नीचे 12, और यहाँ पे बड़े वाले के साथ माइनस है, मतलब 11 के साथ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। और अब हम लोगों ने देखना है कटिंग होता है, यस, ठीक है, होता है ना, 6 कितनी ज़्यादा 12 होता है, 2 ज़ार, 6 कितनी ज़्यादा 18 होता है, 3 ज़ार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 होता है, 4 कितनी ज़्यादा 12 होता है, 3 ज़ार, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये एक हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/3, और एक आ जाएगा 3/2, ठीक है, हमारे पास दोनों आ गए। और हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिख लें। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।